रूप में लगाए। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका मुरादाबाद के साथ साथ प्रदेश की राजनीति को भी लगता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के तौर पर देखा जाए तो। निश्चित रूप से सरदेव जी का जिस तरह का कद था उनका और वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक चेहरा, वो 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, लंबा उनका सार्वजनिक जीवन था, उनके पिताजी भी सांसद रहे। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, पश्चिमी क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए बहुत दुखद क्षण है और उनके परिवार के लिए तो है ही, लेकिन हम सब लोगों के लिए भी बहुत बड़ी। पश्चिमी यूपी में देखा जाए तो बड़ा चेहरा था सर्वेश सिंह के रूप में। देखिए जिस तरीके से उनके पिताजी भी कई बार विधायक रहे, सांसद रहे अमरोहा से, और उसके बाद 5 बार के विधायक खुद सर्वेश सिंह, उनका बेटा भी इस वक्त विधायक है। सर कैसे देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बड़ा घाटा हुआ है बीजेपी को? निश्चित रूप से हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, हमारी पार्टी के लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। सर कोई क्षण आपने उनके साथ बिताया हो? क्योंकि जिस मेरा उनका बहुत लंबा समय से हमारे साथ, लगभग 35-40 साल भाजपा में, 35 साल लगातार भाजपा में रहे वो सर। 91 में पहली बार विधायक बने थे और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बने रहे, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते रहे, जीतते रहे जी। और कभी परिणाम अनुकूल भी नहीं अगर ऐसा रहा तो, लेकिन बहुत अच्छा जनादेश उनके साथ, हमेशा जनता जुड़ी रही। वो एक जननेता थे, गांव में ही रहते थे अपने और लोगों से कनेक्ट थे, लोगों के जन समस्याओं का समाधान, लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहना ये उनका स्वभाव था। उनका ना रहना हम सब लोगों के लिए बहुत दुखद है, पार्टी के लिए, हमारी बहुत बड़ी घटना है। तो सर देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजादी के बाद पहली बार मुरादाबाद में अगर सांसद के तौर पर कमल खिला था तो वो सर्वेश सिंह नहीं खिलाया था। उस बड़ा नाम था वो और सांसद रहे, 2009 में भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े पार्टी का, जब उस समय विपरीत समय था तो हम बहुत थोड़े अंतर से ही उस समय हारे थे। और उनकी व्यक्तिगत छवि और उनकी लोकप्रियता जो उनका कद था उसमें कहीं ना कहीं दिखती थी। और वो एक जननेता थे, हमेशा जनता के लिए वो संघर्ष करते रहे, जनता से जुड़े विषयों पर काम करते रहे, क्षेत्र के विकास के लिए, मुरादाबाद के लिए। इस पश्चिमी क्षेत्र में जिस तरह का उनका संपर्क था तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए बड़ी क्षति है उनका न रहना। दमदार नेता के तौर पर पहचान होती थी सर्वेश सिंह की अगर देखा जाए तो। जी अगर देखा जाए तो सर्वेश सिंह की जो पहचान होती थी एक दमदार नेता के तौर पर होती थी। हमेशा वो लोग जनता के बीच में खड़े रहे वो जी, और जनता के विषय को लेकर आगे बढ़ते रहे जी, लोगों के बीच में बने रहे। और ये बहुत बड़ी बात है किसी जी नेता के लिए, जन नेता के लिए, कि वो जनता के बीच में बने रहे जी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ठीक है। और मैं उनके परिवार के प्रति, उनके बेटा हमारा विधायक है, ठीक है, हमारे लिए बहुत दुखद क्षण है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ